सामान हमने यहाँ पे ले लिया, परचेज कर लिया। शुक्रिया सर। अभी खाएंगे खाना, ये जो है ना कुकिंग हम करेंगे रास्ते में, ऐसे है ना। कमाल का मौसम है यार। यार हमारा भी कुछ करो यार। हाँ मुझे तो पेशाब आया। अच्छा अच्छा करते हैं भाजन पीछे चल रहे। बारिश जो है हमें रास्ते में पहुंच चुकी है, अभी हम एबटाबाद भी नहीं पहुंचे। एबटाबाद तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर अभी रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता आपने देखा है, नाश्ता कर लिया है। नाश्ता हमने मखदूम साहब के पास किया था, क्योंकि असल में बेसिकली नाश्ता करना था इस भाई के पास। रात ये आए थे, लेकिन हमने मना कर दिया था हसन भाई को कि सुबह आपने नाश्ता नहीं रेडी करवाना। तो अनफॉर्चुनेटली जो चाचा जी थे उन्होंने उनसे बगैर पूछे नाश्ता ही रेडी करवा लिया। तो फिर हमें वहाँ पे नाश्ता करना पड़ा। नाश्ता करके फिर भाई के पास हमने पिए चाय। अभी चाय पी के यहाँ से हो रहे हैं रवाना सीधा नारायण कागान के लिए ना। अभी सीधा नारायण कागान के लिए आपने जाना कहीं नहीं है, रहना हमारे साथ है। क्योंकि मज़े मज़े के जो ब्लॉग हैं ना, ट्रैवल ब्लॉग हैं, और रास्ते में जो जितनी भी खूबसूरती है आपको कैमरे में कैच करके हम भी देखेंगे, नानू को भी दिखाएंगे और आप सारों को भी दिखाएंगे। जाना कहीं नहीं है आपने, स्टे विद अस। और ऊपर देखें ये पॉइंट बना हुआ है घूमने फिरने का, वाओ। और ये नज़ारे इस्लामाबाद के आप देखें, कितना माशाल्लाह कैपिटल जो है पाकिस्तान का, ये खूबसूरत सफाई का जो खास निज़ाम इन्होंने किया हुआ है माशाल्लाह। ये देखें पिंडी से निकलते हुए यहाँ से टैंकी करवा रहे अपने फ्यूल फुल। यहाँ से देखते हैं यहाँ से कितने की होती है। यहाँ पे रेट कितना है भाईजान, रेट कम हो गया ना, 230 करवानी है। हवा चेक करवाएंगे क्योंकि मोटरवे पे चढ़ने ये लाजमी है, हवा और फ्यूल ये लाजमी है क्योंकि मोटरवे पे अभी चढ़ रहे हैं। मोटरवे चढ़ने से पहले अपनी गाड़ी की हवा इसकी टाइट करवा लें। 30-30 करनी है भाईजान, 30 करनी है, 35-30 करनी है। हाँ ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर से है जो है फ्यूल फिल करवा लिया है मुकम्मल। और अभी ये पिंडी का मौसम भी देख लें, अभी सीधा सीधा जाएंगे हजारा मोटरवे की तरफ। तो चले चलो। तो भाई लोगों, इस्लामाबाद का ये व्यू है, आप लोग कमेंट में बताया करोगे यार किस तरह के व्यू होते हैं। ये देखें कमाल का वेदर बना हुआ है। और एक मजे की बात ये कि फैसल मस्जिद वो सामने नजर आ रहे हैं उसके मीनार, लेकिन अभी फिलहाल अभी जा रहे हैं हम नारायण कागान वाली साइड। तो अभी फैजल मस्जिद की तरफ नहीं जाएंगे, अभी इनसे बाहर बाहर होते होते हम जाएंगे सीधा नारायण कागान की तरफ। तो ये आपको व्यू मैं कह रहा हूँ दिखा दूँ इस्लामाबाद के ये माहौल नज़ारे। इससे आगे और भी अच्छे अच्छे व्यूज जो हैं वो आने वाले हैं, वो मज़े से इंजॉय कीजिएगा आप लोग। रास्ते में पहुंच चुकी है, अभी हम एबटाबाद भी नहीं पहुंचे। एबटाबाद तकरीबन यहाँ से 40 किलोमीटर अभी रहता है। तो बारिश जो है ना आ गई है रास्ते में। ये वेदर वैसे बहुत अच्छा बना हुआ था, लग नहीं रहा था यहाँ से माशाल्लाह बारिश हो गई है। ये देखें आहा तेज बारिश, तभी रास्ता भाई हल्की रखो, शीशे बंद कर दो, बारिश अंदर आ जाएगी। अब तो बहुत टंडल पहुंच गए, लंबाई इसकी जो है 1724 मीटर। ये देखें अभी इसके इंटर होने वाले हैं, टनल में रोशनी मदम रखें, डिम लाइट्स, यहाँ पे लाइट्स भी ऑन करनी पड़ेंगी। ये देखें क्या मौसम है यार, ये देखें पहाड़ों से पहाड़ों के नीचे आए हुए बादल ऐसे ना। ये देखें सामने क्या वेदर है यार जबरदस्त। ये देखें इधर पहाड़ बिल्कुल वाज़ह नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे देखें बादल बिल्कुल पहाड़ों से नीचे आए हुए हैं। कमाल का मौसम है यार। यार हमारा भी कुछ करो यार। हाँ मुझे तो पेशाब आया।
अच्छा अच्छा करते हैं भजन, पीछे चल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कर रहे हैं पीछे, पीछे रिटर्न रिटर्न ले रहे हैं। यहाँ से कुछ पकाने का सामान ले रहे हैं और मुंह धोने के लिए साबुन है ना मामू, फेस वॉश मिला नहीं है उस दिन, तो मिला था वो गायब कर दिया। अब ये यहाँ से साबुन लिए। लक्स चावल कौन सा ले रहे हो? कायनात कायनात, तो फिर कायनात है ना। राय साहब कितने चलेंगे? 2 किलो तो ले लो। यहाँ पे रेट ज्यादा है भाईजान, ये तो होगा, ये तो होगा। फिर टोटा कितना दे रहे, कैसे दे रहे? जाम साहब यहाँ पे जो कायनात के चावल है वो हमारी साइड पे दे रहे हैं 180-190 और यहाँ पे चल रहा है 240 रुपए किलो। भाई ये तो होगा, ऐसे करोगे तो फिर जैसे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे वैसे तो होगा। अपनी अपनी भाई ये भी चॉइस, ये कितना बता रहे? 800 ग्राम और 800 ग्राम और पैसे कितने इसके? 380। ये नमक हो गया और लाल मिर्च, चाय के लिए हाँ ये 4 इसके दे दें, 4 बॉक्स ये ओल्ड पैस फुल क्रीम मिल्क। हाँ क्या लेने? हाँ जी पत्ती भी दे दें, चीनी भी दे दें, चीनी चीनी लेनी है ना, चीनी भी लेनी है भाई यार, पत्ती और खांड भी दे दें। सामान हमने यहाँ पे ले लिया, परचेज कर लिया, शुक्रिया। अभी खाएंगे खाना, ये जो है ना कुकिंग हम करेंगे रास्ते में, ऐसे है ना जी भाई, रास्ते में करेंगे कुकिंग, वो भी आपसे शेयर करेंगे। फिल वक्त हमें भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ खाना आ गया है, तसल्ली से खाना खाओ मामू जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। नानू जी खाओ, बिस्मिल्लाह करो। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं रास्ते में, बालाकोट क्रॉस करके आ गए हैं और यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं फ़ोटो सेशन, क्योंकि वो सारे जो मुंडे हैं शहजादे अपनी शूटिंग में मसरूफ़ हैं। मैंने कहा थोड़ा सा मैं व्लॉग भी बना लूँ तो आपको अपडेट भी कर दूँ। यहाँ पे अभी हम पहुँचे, ये देखिए मौसम यहाँ का बना हुआ है कितना फैंटास्टिक ज़बरदस्त। तो अभी यहाँ से हम फ़ोटो सेशन करें, फिर इसके बाद आगे जाएंगे क्योंकि होटल पर वहाँ पर स्टे भी करना है। तो अभी इस वक्त काफ़ी देर से थक गए थे, हमने कहा यहाँ पर रुक के थोड़ी देर फ़ोटो सेशन भी कर लें और साथ में आपको व्यू भी शेयर कर दें आपके साथ। तो गाइस पता नहीं हम कौन सी जगह पे पहुंचे हैं, बहरहाल जो सी जगह पे पहुंचे हैं, ये देखें व्यू हमने देखा है। आप जा रहे हैं यहाँ से लें बालाकोट, इधर से 20 किलोमीटर, पता नहीं बहरहाल ये भी देखें व्यू जो है यहाँ पे अच्छा है। हमने सोचा यहाँ पे लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं, कुछ भाई कह रहे हैं आपने बोतल पीनी चाय, बोतल बोतल भाई, बोतल भाई सर्दी में। तो चलते हैं ऊपर देखें आपको व्यू भी दिखाओ, हमने कैसे चक्कर चलाया है। कह रहे हैं कि मैं डेजर्ट पम्प रेंजर खान में काम करता रहा हूँ तो इधर आपको 60 की बोतल मिलेगी रेगुलर की। हमने कहा उधर से लेके बैठे तो बैठने दोगे? कहते हैं अच्छा उधर से लेके बैठ जाओ। बंदा अपना निकला है, उसने कहा इधर से बोतल ले, वो दे रहा है भाईजान 60 रुपए की रेगुलर, यहाँ हम 30 रुपए की लेते हैं। इधर कोई है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? तबीयत ठीक है भाईजान? रेगुलर बोतल है या 1.5 लीटर है? 1.5 लीटर में की है। पैप्सी कितने की है? 1.5 लीटर। मामा क्या कहते हो? नहीं यार ले लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा दे दो यार 1.5 लीटर। जी तो गाइस अभी हम पारस में पहुंचे और पारस में हमने किया स्टे, वो सामने हमारी गाड़ी पार्क की है और ये वाला हमने लिया है रूम, ये वाला हमारा रूम है। इमरान भाई इधर सो रहे हैं, मामू इधर सो रहे हैं, ये देखें साफ सुथरा माहौल मिल गया हमें, थक गए थे तो हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। हेलो गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? रात हो गए थे लेट और हमने रात स्टे कर लिया था, अभी यहाँ से उठे हैं, सारे गए हुए नीचे अपना अपना सामान लेने के लिए और सिलेंडर वगैरह लेने के लिए गए हुए कहीं, अभी बनानी है चाय। अस्सलाम वालेकुम मामू, गुड मॉर्निंग, आप इधर हैं? गुड मॉर्निंग।